आपको लगता है इन प्रिंसिपल आपको लगता है कि इनकम टैक्स की जो छूट है उसकी सीमा आइडियली बढ़नी चाहिए, अभी भले ही बैलेंस शीट अलाउ ना करे? बहुत पहले मुझे लगता था इस मंत्रालय में आने से पहले कि बढ़ जाए, लेकिन आने के बाद मैंने स्टडी किया तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको टैक्स देना चाहिए, जो अपने आप को टैक्स से बाहर रखता है, बड़ा क्लेवरली बाहर रखता है उसे, या फिर वो डिडक्शंस ले लेके अगर 2.5 लाख की सीमा है तो 2.5 लाख दिखा देगा, 3 लाख की सीमा है तो 3 लाख दिखा देगा, और किसी तरीके से रिटर्न फाइल कर देगा और टैक्स नहीं देगा। मैंने पिछले साल के बजट भाषण में इसके आपको याद होगा आंकड़े भी दिए थे। बिल्कुल। इसलिए हमेशा एक चॉइस होती है बहुत कठिन कि क्या मैं टैक्स बेस को नैरो कर दूं, ऑलरेडी बहुत छोटी टैक्स बेस है उसको और छोटा कर दूं। फिर दूसरा तर्क इसके विरोध में मेरे मन में आता है, ये एक ऑनेस्ट वर्ग है जिसको थोड़ा रिलीफ देना चाहिए, तो मैंने एक बीच का रास्ता सोचा है, और वो बीच का रास्ता ये है, बहुत ज्यादा सीमा थोड़ी बढ़ाते जाओ। मैंने बढ़ाई 2 से 2.5 की, फिर 3 तक उसको टैक्स एग्जेम्प्ट किया, लेकिन उसके साथ साथ अन्य तरह के रिलीफ इनको देते जाओ, मेडिकल इंश्योरेंस का दे दो, हेल्थ केयर का दे दो, किसी तरह इन्वेस्टमेंट्स का दे दो, ताकि 5 से 7 लाख रुपया कमाने वाला व्यक्ति वर्ष का, जो एक बहुत टिपिकल मिडिल क्लास में एस्पिरेशनल क्लास आ रही है, वो बहुत नॉमिनल टैक्स देकर जिसके रिकॉर्ड रहे, क्योंकि मान लीजिए जो नियम हम इस वर्ग के लिए बनाएंगे वही किसी प्रोफेशनल के लिए भी होगा, किसी बिजनेस वर्ग के लिए भी होगा। और मैंने आंकड़े भी दिए हैं, अभी भी जैसा मैंने कहा कि सैलरीड क्लास का कंप्लायंस लेवल हाई होता है, प्रोफेशनल्स में और बिजनेसेस में इतना कंप्लायंस लेवल हाई नहीं है, तो इसलिए ये नियम उस पर भी लागू करेंगे। तो इसलिए ट्रेसेबिलिटी रखना इनकम की, ये भी देश के लिए आवश्यक होता है टैक्स बेस बढ़ाने के लिए, और इसलिए दोनों के बीच में एक ये वाया मीडिया मैंने चुना। और आज अगर आपकी 5 से 7 लाख की इनकम है, आप निल या नेग्लिजिबल या वेरी माइनर टैक्स देकर उसमें बच सकते हैं, लेकिन आपके टैक्स का और आपकी इनकम का रिकॉर्ड रहेगा। बिल्कुल। अब आपने जो और ये जो बर्डन है मैं कम करता जाऊंगा, इसमें आपको शायद बहुत ही कम टैक्स देना पड़े, लेकिन केवल रिकॉर्ड के लिए आपकी रिटर्न वहां पर रहेगी।